Hello everyone, welcome back, and I am back again with few more difficult words for the day, and we're gonna start them. Let's see, this is the one. Yeah, okay. तो हमने ऑलरेडी 10 वर्ड्स करे थे पिछले वाले वीडियो में. दिस इज द नेक्स्ट 10 सेट ऑफ वर्ड्स दैट वी आर गोना डू टुडे. एंड द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज एक्सएसरबेट. एक्सएसरबेट का मीनिंग होता है टू मेक अ सिचुएशन अ बैड फीलिंग और अ प्रॉब्लम वर्स. किसी एक सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना. एक्सएसरबेट का मीनिंग होता है कोई ऑलरेडी सिचुएशन खराब थी, उस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर देना या खराब कर देना. ठीक है. Example is, according to a survey, stress can cause or exacerbate health conditions of the humans. ठीक है. Exacerbate करना is like, यहाँ पे इस sentence में इसका meaning हो जाएगा कि एक survey के according stress जो होता है वो human condition को, human की health condition को और ज्यादा खराब करने की क्षमता रखती है. Next word is forbearance. Forbearance का मतलब होता है self control, patience या tolerance. Example, without forbearance, Ray wouldn't have cleared his house loan. Now the thing is कि आप इन words का भी इस्तेमाल कर सकते हो. Self control, patience, tolerance, इन words का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. But forbearance is a better word. ठीक है. It can be used as a synonym for this word, or it can be used in place of these words. It's a better vocabulary. ठीक है. Government. Government का मतलब होता है a person who likes and enjoys eating food. जो खाना बहुत पसंद करता है उसको गवर्नमेंट कहा जाता है. इफ यू आर अ डेजर्ट गवर्नमेंट देन यू मस्ट ट्राई केंटकी चॉकलेट पाई. ठीक है. नाउ सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट इज नथिंग बट अ नाउन. ठीक है. तो अगर कोई इंसान को आप फूडी ना कहेंगे, ठीक है, वोरेशियस ना कहेंगे, गवर्नमेंट कह सकते हो इफ शी और ही और शी जनरली लाइक्स ईटिंग फूड और समथिंग. हेट्रोजीनस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, या आपने सुना भी होगा, आपने यूज भी किया होगा कई बार. हेट्रोजीनस का मतलब होता है डाइवर्स इन कंटेंट और कैरेक्टर. बहुत ज्यादा डाइवर्स अगर है किसी चीज में, उसके लिए आप हेट्रोजीनस यूज करते हो. एग्जाम्पल, आई गेव हिम हेट्रोजीनस आइडियाज फॉर हिज मास्टर्स थीसिस टॉपिक्स. मल्टीपल आइडियाज और डाइवर्स आइडियाज. इम्पेक्यूनियस. इम्पेक्यूनियस का मीनिंग होता है हैविंग लेस मनी और नो मनी एट ऑल. ठीक है. कम पैसा होना या बिल्कुल भी पैसा ना होना उसको इनपेक्यूनियस कहा जाता है. पीईसी पेक का मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड होता है. दिस इज अगेन अ रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है पैसा. सो इनपेक्यूनियस का मतलब होता है बहुत कम पैसे होना या बिल्कुल भी पैसे ना होना. एग्जाम्पल, आफ्टर बाइंग अ न्यू हाउस सैम वाज सो इनपेक्यूनियस दैट ही कुडंट इवन अफोर्ड क्रिसमस कार्ड्स. पेल्यूसिड. नाउ पेल्यूसिड का मतलब सी लूसिड या एल्यूसी का ऑलरेडी मतलब होता है लाइट. ठीक है. रोशन करना, शाइन करना, लाइट में लाना. इसका अगेन दिस इज अ रूट वर्ड. एल्यूसी लूस जो है दैट इज अ रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है लाइट. पेल्यूसिड का मीनिंग होता है इजी टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंसिबल, समथिंग दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. बहुत ही एलैबोरेट करके समझाया गया हुआ कोई चीज उसको आप पेल्यूसिड कहते हो. एग्जाम्पल, His pellucid explanation of why he wants to leave the job made higher authorities release him without any conditions. मतलब elaborated, explained way of any kind of thing. कोई भी reason के लिए अगर आप explanation दे रहे हो कुछ कर रहे हो तो आप उसको pellucid कहते हैं. Elaborate form. Philanthropic. Philanthropic का मतलब होता है an organization or person promoting the welfare of others. यहाँ पे अगेन हमारे पास दो root words हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है. There is a word called phil. Phil means love or affinity towards something. Anthro का मतलब होता है human related. तो human welfare के लिए अगर आप पैसे donate करते हैं या कुछ भी donate करते हो, कुछ अच्छा सोचते हो, कुछ अच्छा करते हो, उसको philanthrop कहा जाता है और उस nature को philanthropic nature कहा जाता है. Example, because of the financial aid received by the philanthropic bodies, Kate managed to complete her higher education. Next word is protein. प्रोटीन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली चेंजिंग. अब ये वो खाने वाला प्रोटीन नहीं है, स्पेलिंग से आपको पता चल रहा होगा. प्रोटीन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, ट्रेंडिंग या वर्सेटाइल. विकी कौशल इज अ प्रोटीन एक्टर हु इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ रोल. समवन हु इज वेरी वर्सेटाइल, यू नो, किसी भी चीज में डाल दो अडेप्ट हो जाता है. किसी भी फैशन में डाल दो, ही लुक्स गुड. किसी भी कोई सा भी आप जॉनर दे दो, ही परफॉर्म्स वेल. तो प्रोटीन का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड और समवन हु इज वेरी वेरी वर्सेटाइल टुवर्ड्स समथिंग.
नेक्स्ट वर्ड इज स्प्यूरियस. स्प्यूरियस का मतलब होता है इललेजिटिमेट. इललेजिटिमेट का मतलब इललीगल या फिर फॉल्स. एग्जांपल, दे मेड स्प्यूरियस क्लेम्स ऑफ एक्सीडेंट्स जस्ट टू गेट द इंश्योरेंस फंड्स. ओके, एनी काइंड ऑफ फॉल्स, इललीगल कमेंट और इललीगल केस, उसको आप स्प्यूरियस कहते हो. नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंट. नाउ एफ्लुएंट के लिए आपके पास दो मीनिंग गिवन है, आप देख सकते हो. पहला मीनिंग इज हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी या फिर वेल्दी, जो बहुत ज्यादा वेल्दी हो या जिसके पास बहुत सारा पैसा हो. और सेकेंड मीनिंग है फ्लोइंग फ्रीली और इन ग्रेट क्वान्टिटी. ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लो हो रही है कोई चीज़ या फिर बहुत ग्रेट क्वान्टिटी में फ्लो हो रही है चीज़, उसके लिए भी एफ्लुएंट कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, सिंस देन द कैम्प्स हैव सीन अ प्रोलिफरेशन ऑफ मार्केट्स एंड अ रिलेटिव एंड अनइवन ग्रोथ इन एफ्लुएंस. मतलब इन money, in terms of money, in terms of finance, in terms of wealth. ठीक है, so I think we are gonna keep it up till here today. इसके बाद का we have the end of the slide. That should be it for today. आप ये 10 words please पढ़िए, इसके meanings को समझिए and इसको multiple sentences में use करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, I'm gonna meet you in the next video with maybe few more words, few more difficult words that we have. Okay, see you in the next video. Hope this finds you you find this video really helpful for you guys. Keep practicing, keep growing. Bye-bye.